ऐप है जिससे आप इसको अनलॉक। तो बेसिकली नॉर्मल आपका रेडी का दिखाई देता है और यहाँ पे अच्छा सा स्पीकर्स दिए हुए हैं इसमें म्यूजिक के लिए, ये रिवर्स में आ जाता है। ठीक है जी, हेलो ड्राइविंग हार्ट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम चला रहे हैं ओला S1 प्रो और मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है और लिटरली बड़ा ऑसम सा लग रहा है और फनी। वैसे फील तो नॉर्मल स्कूटी वाला ही आ रहा है इसमें भी, तो हम इसको थोड़ा सा चला के देखेंगे ट्रैफिक में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक्सेलरेशन गुड है भाई, ब्रेकिंग आहा, ब्रेकिंग भी मस्त है भाई, ब्रेकिंग भी मस्त है। इंडिकेटर और ये है अभी नॉर्मल मोड में, यू कैन सी नॉर्मल मोड में है, 120 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और इसके मोड यहाँ से चेंज हो जाते हैं तो ये आ गया स्पोर्ट्स मोड और इसमें ओ भाई साहब निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है भाई, नीचे से निकल रहा है, ये गजब है यार, अच्छा पिकअप है। देखो स्पोर्ट्स मोड में स्पीड, ओ बूम 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 भाई, आराम से मुझे सीट से उठा दे रहा है। और इसमें तीसरा मोड है हाइपर, इसमें त्रासी। अब हाइपर में देखो इसका पिकअप दिखाते हैं आपको। ओके ओहो, तो बेसिकली नॉर्मल मोड जो है बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए। नॉर्मल में इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है और स्पोर्ट में पिकअप थोड़ा बढ़ जाता है और हाइपर में तो भाई ये बवाल हो जा रहा है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ हो रहा है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको इसका एक क्विक रन व्यू। अभी आ गया ये पार्किंग मोड में। बेसिकली इसका फंक्शन मैं आपको अगर थोड़े से बता दूं ब्रीफली, ये इसका है पार्किंग मोड। यहाँ से आप इसका आपको इसमें ब्रेक को दबाना है और ये ऑन, ये आ गया आपका रेडी, व्हेन यू आर रेडी। अब आप इसको एस्केलेट करेंगे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद इसमें है मोड्स, ये मोड्स के लिए बटन है। स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा, रेंज कम हो जाएगी, हापर मोड आ जाएगा और रेंज कम हो जाएगी। बाकी इसका डिस्प्ले है, यू कैन पेयर योर फोन इसमें, बाकी लोकेशन वोकेशन म्यूजिक वगैरह एवरीथिंग यू कैन लिसन। म्यूजिक का बड़ा अच्छा है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। एंड दिस बटन फॉर वॉल्यूम अप एंड डाउन, दीज टू बटन भी कुछ इस तरह का ये दिखता है। पीछे से टेल लाइट, LED टेल लाइट है, इंडिकेटर इसी में इंटीग्रेटेड है, लुक नाइस। नंबर प्लेट इसमें मिल गई है, ओला S1 Pro की बैजिंग है यहाँ पे इसमें। और ये है इसकी स्क्रीन, पार्किंग मोड ऑफ है, इधर आपकी लाइट है, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न, हॉर्न यू कैन लिसन, इसका हॉर्न है। और ये फ्रंट से जो है आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और लिटरली खैर यार है तो बड़ा यूनिक सा, थोड़ी सी रोबोटिक टाइप की इसकी लाइट है, ये दो इसमें आंखें दी हुई हैं तो जलती हुई बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको इनको एक बार जला के दिखाता हूँ। ओके, तो इसमें एक अपना और अलग फीचर है, अगर आपका स्टैंड ऑन है तो आप इसको राइडिंग मोड में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसका ये एक चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं,
हो जाता है ओपन, और ये है आपका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से चार्ज हो जाता है और फिर इसको बोल देते हैं बंद। ठीक है जी, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये सिर्फ पुश क्लोज यार पनी अच्छा है। ठीक है, स्पीकर इसमें यहाँ लगा हुआ है आई थिंक बूट स्पेस के लिए। ये आपका इसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन चार्ज योर फोन ड्यूरिंग अ ड्राइव। यहाँ पे एक अच्छा सा स्पीकर दिए हुए हैं इसमें म्यूजिक के लिए। ओके, हैंडल इसका लॉक हो गया है, खड़े खड़े अगर आप थोड़ी देर खड़े रहोगे तो इस तरह से ये हैंडल लॉक दिखा देता है, अपने हैंडल कर दिया है लॉक। फुट पैग्स फॉर पिलियन राइडर्स अच्छे हैं, और ये थोड़ा सा मेटलिक है, और इसमें ये थोड़ा रफ टाइप का दिया हुआ है, जैसे ऑफ रोड बाइक्स में रहता है ना पैर ना फिसले इसके लिए। व्हील्स इज वेरी गुड, व्हील्स आपको मिल जाते हैं 110/70 12 इंचेस व्हील हैं, आई थिंक दोनों ही 12 इंचेस हैं इसमें, हाँ दोनों ही 12 इंचेस व्हील मिल जाते हैं आपको। और फ्रंट में ये इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाते हैं। ओके, कि हम आपको मिलाते हैं इसके ओनर से, वो ही आपको इसका प्रॉपर फंडा बता पाएंगे। ओके, ये हो गया है बंद। तो बंद होने के बाद में इसमें बेसिकली पासवर्ड सिस्टम रहता है, इसमें हम स्कूटर इन पार्किंग मोड, मैं आपको एक बार इसका रिवर्स मोड भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो बटन है, पहले हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, ये हमने दबाया क्लच और ये बटन प्रेस किया, स्कूटर रेडी टू गो। और ये आपका हमने रिवर्स दबाया तो ये रिवर्स में आ जाता है। ठीक है जी, और ये साउंड इस तरह से चलता है, और रिवर्स के लिए आपका जो एक्सीलेटर है ना ये थोड़ा सा इस तरह से चलाना पड़ता है, ऐसे आगे जाने के लिए आपको इसको इस साइड घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे भागेगा। देखो ये पीछे, और पीछे बड़ी अच्छी स्पीड से जाता है ये, सो दैट्स गुड। और ठीक है, तो निकलते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्पीड स्पोर्ट मोड एंड हाइपर मोड में, अब देखो ये कैसे उठता है, देख रहे हो। एक बार मैं आपको हाइपर मोड में चला के दिखाता हूँ, सो अगर आप हाइपर मोड, भाई आप पहली बार इसको ले रहे हो चला रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको नॉर्मल मोड में ही चलाएं तो बेटर है आपके लिए। नॉर्मल में ये नॉर्मल जैसा ही रिएक्ट करता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ब्रो, लिटरली बता रहा हूँ, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और एक इसमें ये अच्छा है, अगर आपने हल्का सा भी ब्रेक पुश कर लिया ना, ये हल्का सा प्रेस पुश हुआ ये एक्सीलेटर बंद, देखो ये मुझे बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा है इसमें, कि बेसिकली न्यू राइडर्स के लिए अच्छा है, कंफर्ट है, स्कूटी चला लेते हो तो नॉर्मली से भी आप चला सकते हो, इट्स नॉट इशू, और ट्रैफिक में भी अच्छा रेस्पॉन्स है। बट मैं भी पहली बार चला रहा हूँ, मैंने तीनों मोड ट्राई किए, बेहतरीन परफॉर्मेंस है स्कूटर की, लेकिन नॉर्मली सजेस्ट करूँगा कि आप जब ऐसे ट्रैफिक में हैं तो आप नॉर्मली ही मोड में चलाएं इसको, ताकि आपके कंट्रोल में रहे। भाई ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरे लिए थोड़े से इसके ये बटन दूर हो रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ रीच है, यू कैन सी, आपको हाथ थोड़ा पास लाना पड़ेगा, अदरवाइज ओके। अब हॉर्न बजाना है तो बाकी यहाँ हर चीज़ के आप यूज टू हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और मे बी हम आपको इसके ऑनर से भी मिला देते हैं और वो बता देंगे आपको सारी जानकारी इसके बारे में। सो चलते हैं वापस, और ये है हमारे अमर भाई का, उन्होंने अभी अभी इसकी डिलीवरी ली है, सो थैंक यू वेरी मच अमर ब्रो फॉर गिविंग मी दिस योर मशीन, लवली मशीन, लवली साइलेंट मशीन। तो मैं आपकी एक बार उनसे ही मुलाकात कराता हूँ, कैसे ये मिला, क्या सिस्टम था। आ गए हम यहाँ पे, और ये वाला बटन दबाएंगे, ये हो गया पावर ऑफ़।
और आई थिंक इसको स्टैंड भी बड़ा अच्छा है यार। ये देखो ये रीचेबल है, बड़े प्लास्टिक जैसा क्यों लग रहा है यार ये? इज दैट प्लास्टिक? प्लास्टिक तो नहीं होनी चाहिए। नो, इट्स नॉट प्लास्टिक, ये कुछ एलॉय टाइप का है इसमें। ओके, तो इसके कुछ फीचर्स और अगर हम आपको दिखाते हैं। टेस्ट ड्राइव में लेके आ चुका हूँ और मैंने आपको बताया था मैं आपको इसे ऑनर से मिला देता हूँ। ये हमारे अमर भाई हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं, इन्होंने इसको अभी हाल फिलहाल में ख़रीदा है। तो प्लीज़ अमर भाई। हाय, हेलो। तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, इसका जो बेसिकली जो रहा है बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या आपको इसमें करना पड़ा? ये मैंने 3 अक्टूबर को इसको ऑनलाइन बुकिंग की थी और उसके बाद ये इनकी डेट आ रही थी 15 अक्टूबर के डिलीवरी की जो ओला फ्यूचर फैक्ट्री से है, उसके बाद ये 13 में ये डिलीवर होगी वहाँ से। उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि ये 3 से 4 वीक में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये आपको डिलीवर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, जैसे ये दिल्ली सेंटर पे आ गई, ओटीपी वगैरह जो भी था उनका फिजिकल सिग्नेचर वगैरह। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया अभी 3 दिन पहले कि आप हम होम डिलीवरी तो नहीं कर पाएंगे, कुछ इशू चल रहा था कि आप वहाँ से आके डिलीवर कर लो। तो मैं इसको लेने गया था, बेसिकली कल लेकर आया हूँ और आज मैं इसको शोरूम से लेके आया हूँ, और फिर आज मैं मॉर्निंग ऑफिस इसी से आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राइडिंग का? राइडिंग का एक्सपीरियंस तो मैं इसमें 3 मोड थे, वो तीनों मोड लगा के लाया, नॉर्मल, हाइपर और तीनों हैं। लगभग 35 किलोमीटर मुझे ऑफिस पड़ा वन वे। ओला जो ऐप है उससे तुम, ये ओला ऐप है इससे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, पासवर्ड है, पासवर्ड के जरूर भी ये अब ये अनलॉक हो गई ऐप से और ये पार्किंग मोड में है। जब हम इसका स्टैंड सुना है तेरे ओ, ये मोबाइल से कनेक्ट थी तो इसे म्यूजिक इसका ऑटो प्ले हो गया। तो ये स्टैंड होने के बाद इसको राइड मोड के लिए आपको कोई भी क्लिच और ये पावर क्लिच दबाना और ये पावर ये ऑन हो जाएगी इस मोड में। इसमें 3 मोड है, नॉर्मल, और ये क्लिक करोगे स्पोर्ट और ये हाइपर, लॉन्ग प्रेस करोगे तो इको मोड में आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद ये इसका डैशबोर्ड है, ये म्यूजिक वॉल्यूम के डाउन के हैं और ये आपके, अच्छा एक बार म्यूजिक थोड़ा बजा के दिखाइए इसमें। ये म्यूजिक ये दोनों स्पीकर्स हैं, एक स्पीकर यहाँ पे है और एक स्पीकर वहाँ पे है। ये म्यूजिक इसका जो मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ये ये इसका फुल साउंड था और ये मोबाइल वॉल्यूम मोबाइल से भी हो जाएगी ऑपरेट और ये ओला से भी, ठीक है। यहाँ माइक है, अगर फोन आता है तो उसके वो तुम यहाँ पे गाइस इसमें यहाँ माइक है तो आप ऑन द गो बातें भी कर सकते हैं। चलते हुए तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, खड़े होकर आप स्पीकर पे इस पर बातें कर सकते हैं, मतलब लाइक 4-व्हीलर है ना। और ये इसका डैशबोर्ड है तुम्हारे इंडिकेटर का है, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, ये इस ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी आप देखोगे, ये नेविगेशन मैप का है, म्यूजिक का है, ये इसकी सिस्टम सेटिंग है, बाकी ये बैटरी का दिखाता है 100% बैटरी इसकी, और इसकी ये डिग्गी से ओपन हो जाती है यहीं से मोबाइल ऐप से भी, ये इसका स्पेस है, बोर्ड स्पेस है, देखो गाइस काफ़ी अच्छा है इसमें। ये आई थिंक इसका चार्जर है जो इसके साथ ही मिला है और
ठीक है, वैलेंट बोर्ड अच्छा है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट है, तो इसमें चार्जिंग का यही एक ऑप्शन है। हाँ, यही ऑप्शन है इसका चार्जिंग का। और ये नॉर्मल होम चार्जर, कहीं भी प्लग इन में 3 पिन प्लग इन से ये चार्ज हो जाएगा। 6 एम्पीयर पे ही रह जाएगा। अच्छी बात है यार, 6 एम्पीयर मतलब नॉर्मल आपको कुछ। हाँ, नॉर्मल कुछ भी 3 पिन प्लग वाला हो उसमें ऑन होने की जरूरत नहीं है की। तो गाइज, ये था एक छोटा सा रिव्यू ओला F1 Pro का। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।